ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं डेट्स केक बनाने वाली हूँ। तो डेट्स केक बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ले लिए हैं दूध। तो दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, तो एक कप हम दूध लिए हैं और इसको हम एक बर्तन में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम डेट्स। तो डेट्स के बीज निकाल करके डालेंगे और यहाँ पर हम डेट्स एक कप इस्तेमाल किए हैं। हमें केक बनाने के लिए सॉफ्ट वाला डेट का यूज़ करना है और अभी हम डेट्स को दूध में आधा घंटा के लिए सोख करके रख देंगे। तब तक हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। केक टिन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। फिर मैदा डाल देंगे और इसको अच्छा तरह से कोट कर लेंगे। चाहे तो हम इसमें बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए केक टिन तैयार है, इसको साइड में रख देते हैं और आधा घंटा हो गया है डेट्स को भीगे हुए। अब हम एक जार में इसको डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो पेस्ट यहाँ पे हम बना लिए हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे हम अंडे। तो यहाँ पे 3 अंडे का इस्तेमाल किए हैं डेट्स के केक में और इसको अच्छी तरह से पहले फेंट लेंगे। अच्छी तरह से हम 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको फेंटेंगे और जब ये अच्छा से फेंट जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो चीनी यहाँ पे हम आधा कप यूज़ किए हैं और चीनी डालकर भी इसको मिक्स कर लेना है। तो अब चीनी और अंडा फेंट लिए हैं हम। अब इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें हम वनीला एसेंस। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच हम वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए यूज़ किए हैं और वनीला एसेंस डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो डेट्स का पेस्ट तैयार किए थे उसको डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे इन्ग्रीडियंट्स को हम पहले ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे अच्छी तरह से। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लिए हैं। अब हम फिल्टर में डाल देंगे मैदा। तो 1.5 कप मैदा लिए हैं। तो अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम तैयार कर लेंगे और 1.5 कप मैदा में हम डाल देंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको फिल्टर कर लेंगे। तो केक बनाने से पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको हम फिल्टर करके केक में डालेंगे और धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और ध्यान रखना है कि इसमें गुलठी ना रहे और लगातार इसको चलाते रहेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट हाथ से चलाना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं फेंटना है इसको और एक ही डायरेक्शन में हमें इसको चलाते हुए गुलठी हटाना है। तो इसका बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए केक के लिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और ये देखिए बैटर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे कटे हुए हम बादाम यूज़ किए हैं और किशमिश डाल दिए हैं और कटे हुए अखरोट डाल दिए हैं और कटे हुए डेट्स डाल दिए हैं। तो अपने मनपसंद हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे और मात्रा अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम केक टिन में बैटर को डाल देंगे। तो इसको हम बेक करेंगे। तो पहले से ही हम प्री हीट कर दिए हैं बर्तन को। तो इस केक को हम गैस पर ही बनाएंगे और यहाँ पे टैप कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कढ़ाई को चढ़ा दिए थे और इसमें एक स्टैंड डाल करके 10 मिनट के लिए कवर करके हम प्री हीट कर लिए हैं। केक बनाने से पहले प्री हीट करना ज़रूरी है। जिस बर्तन में हम केक बना रहे हैं उसको प्री हीट करना ज़रूरी है। अब हम केक टिन डाल दिए हैं और इसको कवर कर देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे गैस का और केक को 30 मिनट के लिए हम बेक होने देंगे। 30 मिनट के बाद कवर हटा लेंगे और चेक कर लेंगे केक हुआ कि नहीं। तो एक टूथपिक से हम इसको चेक कर लेंगे और इसको निकालेंगे बाहर तो एकदम नहीं चिपक रहा, यानी केक बन गया है।
एकदम क्लीन आया है टूथपिक। अगर चिपकता है बैटर तो इसको हम थोड़ी देर और बेक कर लेंगे। अब हम केक को ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर में। केक ठंडा हो गया है, अब हम इसको बर्तन से बाहर करेंगे। तो किनारे किनारे इसको चाकू लगा देंगे थोड़ा सा, तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इसको पलट देते हैं। और ये देखिए केक आसानी से बाहर आ गया केक टिन से। और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही स्पंजी दिख रहा है, तो इसको काट लेते हैं। और डेट्स केक बहुत ही हेल्दी होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, एकदम जालीदार केक बना है। तो इसका एक स्लाइस देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है, ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज की मेरी डेट्स केक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।